आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड, मैं हूं दीपाली राणा। मैं हूं मिहिर भट्ट। और अब आज एक तरीके से एक ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि 50 दिन जो मोहलत प्रधानमंत्री ने मांगी थी नोट बैंक के बाद, वो आज पूरी हो रही है। और कल इनफैक्ट नीति आयोग के साथ जो बैठक की थी प्रधानमंत्री ने, उससे जो संकेत मिले हैं उससे तो यही लगता है कि नए साल में सेंटा हो सकता है थोड़ा लेट आए, बिल्कुल, लेकिन प्रधानमंत्री सेंटा बनके कुछ हो सकता है कि रिलीफ दे सकते हैं। और एक और चीज़ आया, वित्त मंत्री अरुण जेटली का भी बर्थडे भी है। हाँ बिल्कुल, तो वो तो खैर चलिए वो अच्छी चीज़ है। लेकिन संकेत आप देख सकते हैं, SGX निफ्टी करीब 22 पॉइंट ऊपर 8040 पर इस समय ट्रेड कर रहा है SGX निफ्टी। और बाकी एशियन इंडाइसिस आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, कोई खास एक्शन जापानीज मार्केट में देखने को नहीं मिला है। कोरियन मार्केट हालांकि थोड़ा नेगेटिव ज़रूर है इस समय, लेकिन कल अच्छी चीज़ ये थी मार्केट में कि कल वॉल्यूम्स के साथ हमने एक्शन देखा था मार्केट में, तो कम से कम वो जो एक पेंट अप फ्रस्ट्रेशन था मार्केट में वो डेफिनेटली कम हुआ है कि वॉल्यूम्स थोड़ी ठीक ठाक कल देखने को मिली हैं। क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं ये देखना होगा, लेकिन इस बीच आज के जो संकेत हैं वो कुछ हद तक इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट खुल सकता है पॉजिटिव की उस पर। निफ्टी देखिए 55 पॉइंट ऊपर इंडिकेटिव टिक्स में है, सेंसेक्स भी करीब 73 पॉइंट्स ऊपर। तो इंडिकेटिव एक्शन में बढ़त दिखा रहे हैं मार्केट्स, और 30 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 8057 के लेवल्स पर, और 8050 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा आज के सेशन में। और कल के सत्र में हमने देखा कि ज़्यादातर पॉकेट्स पार्टिसिपेट कर रही थी, बैंक्स में रिकवरी दिखी, ज़्यादातर ऑटो शेयर्स भी चलने की कोशिश कर रहे थे, FMCG में हमने पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छा रुझान देखा है, तो पॉजिटिव रहा है बायस। एक फार्मा पर एक बार फिर से आज ध्यान देना होगा क्योंकि कैडिला की खबर शायद फिर से थोड़ा सा मूड स्पॉइल कर सकती है। और टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स एक और पॉकेट थी कल के सेशन में जो कि पार्टिसिपेट तेजी में नहीं कर रही थी। FMCG की बात हुई है तो ITC, साल में एक आध दिन ही ऐसा होता है जब ये स्टॉक इतना वाइब्रेंट मूव देता है जो किसने कल दिया, क्या वो अप मूव आज भी कंटिन्यू होगा ये देखना होगा। रुपए की शुरुआत हो चुकी है और 68.07 के लेवल पर रुपया डॉलर के अगेंस्ट ओपन हुआ है आज के सेशन में। तो रुपए की जो अभी ओपनिंग हुई है वो कह सकते हैं कि फ्लैटेस्ट टोन पर ही हुई है क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो 68.07 के आसपास थी। स्टॉक्स आर 50 में हर रोज हम आपको 50 ट्रेड्स बताते हैं और उन 50 ट्रेड्स में से 10 टॉप ट्रेड्स लेकर डिम्पी अब मौजूद है, बताइए डिम्पी। शुक्र दीपाली, पहला शेयर होगा भारत फाइनेंशियल्स का, कहूँगे कल भी अच्छा चला था, आज भी अच्छे चलने की पूरी पूरी उम्मीद दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि 23 दिसंबर से यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली ने हिस्सेदारी है वो पहले करीब 7.5% के आसपास हुआ करती थी, अब ये बढ़ाकर 8% कर दी है, तो उसका फायदा भारत फाइनेंशियल्स को मिल सकता है आज के सेशन में 531 का टारगेट। इंडियन होटल्स कल इसमें एक बड़े सौदे हुए हैं अब ब्लॉक डील के जरिए, तो इसका फायदा मिला है। वैसे भी हॉलीडे स्टॉक्स के तौर पर आप इंडियन होटल्स को देख सकते हैं, पिछले 2 दिन में काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, शायद आगे चल के इनमें बढ़त देखने को मिल सकती है। 103 तक का टारगेट रखें, इसमें खरीदारी करें। सुनील हाईटेक को 434 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला, इसका फायदा आज शेयर को दिखेगा, आप यहाँ पर टारगेट रखें 12.5 रुपये का। रैलीगर एंटरप्राइज करीब 11 छोटे छोटे अलग कंपनी थी जिनकी सब्सिडरीज थी, उनको एक कंपनी अपने अंदर विलय कर रही है ताकि लागत को कम किया जाए और बिजनेस को रीस्ट्रक्चर का एक अच्छा फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर ढूंढा, तो 260 तक का टारगेट रखें, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं आप, 250 का स्टॉप लॉस होगा। और जीवन फाइनेंस यहाँ पर भी देखें, फाइनेंशियल शेयर्स में हमने जोरदार खरीदारी कल के सेशन में भी आती हुई देखिए, कंटिन्यू हो सकता है आज के सेशन में भी, और 310 का टारगेट टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पे दे रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस में एक इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव आते हुए दिखा है, और सीरीज के अंत में हो सकता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और भी बनती हुई दिखे, इसलिए इस शेयर पे आप नजर रखें। 648 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, 633 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें। JBM जय भारत मारुति पे भी आपको ध्यान रखना होगा, ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के अंदर आज का दिन काफी अहम है, काफी तेज मोमेंटम इन शेयर्स में बन सकता है, आप इस पर नजर रखें। 100 डेमा के ऊपर ये बंद होने के कगार पर आप दिखेगा, आपको 275 का टारगेट होगा, 265 का एक स्टॉप लॉस। कॉक्स एंड किंग कल होटल स्टॉक्स के अंदर हमने और ट्रैवल शेयर से जुड़े हुए कंपनीज के अंदर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम था, तो टूरिज्म से जुड़ी हुई खबर कल नीति आयोग से भी निकल के इसको बढ़ावा देना चाहिए, तो कॉक्स एंड किंग को आज फायदा मिल सकता है, 182 रुपये का टारगेट रखें, कल भी अच्छा चला था ये शेयर। और एक और शेयर है मदरसा सुमित जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बातचीत भी कर रहे थे, और सुमित का मानना है कि यहाँ पे एक अच्छा टेक्निकल पुल बैक है, मिल सकता है जनवरी वादा करीब 100% ज्यादा का ओपरेंटर्स खड़ा है इसमें, 320 तक के टारगेट के लिए आज खरीदारी करें। और एक कैस्ट्रॉल इंडिया एक्सपायरी से पहले कच्चे तेल में कुछ हद तक मोमेंटम दिख सकता है वापस, क्योंकि 1 तारीख को ओपेक और नॉन ओपेक दोनों ही प्रोडक्शन कट कर देंगे, ये लागू हो जाएगा, इसका फायदा कुछ हद तक मिलेगा ऑयल अपस्ट्रीम कंपनीज को, और कैस्ट्रॉल में तो डेरिवेटिव बेनिफिट्स मिलेंगे ही, 380 के टारगेट के लिए आप इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं।
शुक्र डिम्पी आपका, तो ये 10 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं। लेकिन इंडिकेटिव एक्शन में जिन स्टॉक्स ने कल या फिर पिछले 2-3 दिनों में स्ट्रेंथ दिखाई है वो स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखिए एसटीसी एक बार फिर से 10% ऊपर की बढ़त दिखा रहा है। प्राइवेट बैंक्स में बाइंग देखी जा रही है जहां पर रिकवरी कल के सेशन में हमने देखी। साथ ही आईटीसी भी पॉजिटिव बायस के साथ ही अभी शुरुआती सेशन में ट्रेड हो रहा है। भारत फाइनेंशियल जहां पर एक स्मार्ट लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरेज की रिकवरी दिखी। कल ये स्टॉक 8% बढ़कर बंद हुआ और आज भी एक अच्छी ओपनिंग की तैयारी में 4.5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है भारत फाइनेंशियल का शेयर। कुछ स्टॉक जो कि कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहे हैं इस पूरे ही साल या फिर मौजूदा माहौल में भी, उसमें 2-3 स्टॉक्स हैं। एसटीसी का तो एक मैंने जिक्र किया है, एक भारत वायर रोप्स और एक शिल्पी केबल, ये दो स्टॉक्स भी एक वाइब्रेंट परफॉर्मर्स रहे हैं। अविनाश आपके कमेंट्स क्या हैं दोनों ही शेयर्स पर? दीपाली मुझे लग रहा है कि भारत वायर रोप्स में डेफिनेटली जिस प्रकार का मूवमेंट हमने देखा है वो क्लियरली एक अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग मूव के कारण है। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि जो पुराने कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज है वहाँ पे वो सॉर्ट आउट करेंगे और आगे चल के कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो काफ़ी वीक था वो अच्छी तरह से इंप्रूव होगा। तो भारत वायर रूप्स में हमको लग रहा है कि करंट लेवल से भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है प्रोवाइडेड नेक्स्ट 6-12 मंथ्स में कोई निवेश करने की चाह रखता है। मुझे लग रहा है कि शिल्पी केबल्स में डेफिनेटली जिस प्रकार का परफॉर्मेंस भी इन्होंने दिखा है यहाँ पे भी अच्छी बढ़त आ सकती है, लेकिन क्लियरली भारत वायर रूप्स विल बी अ बेटर ऑप्शन। जी कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि अपने 52 वीक हाई से 50-60% लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें एक मार्क्सन्स फार्मा है अगर फार्मा स्पेस की बात करो, और एक है वॉकहार्ड। इन दोनों स्टॉक्स में अगर ट्रेडिंग के नजरिए से किसी को चुनना हो, राकेश तो कोई कंफर्ट आपको दे रहा है? नहीं दीपाली बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है, इन दोनों ही स्टॉक्स में बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है, सेल ऑन रैली वाले स्टॉक हैं। ट्रेडिंग के नजरिए से किसी तरीके की बाइंग इन दोनों के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बार आईटीसी को देख लेते हैं, कल इसने जो रैली दी थी और इनफैक्ट पूरे ही टबैको स्पेस ने जो रैली दी थी ये ही कंट्रीब्यूटर था कल आखिरी एक घंटे में जो ट्रेड क्रिएट हुआ है, जो रैली क्रिएट हुई उसमें। अब ये करीब 1/4% से थोड़ी ज़्यादा की मजबूती इस समय दिखा रहा है। अब एक्चुअली सुमित इस समय मार्केट का ट्रेड जिस तरह का है इसे देखने के दो नज़रिए हैं। एक तो जो टिपिकल दिसंबर का यू नो फ्रस्ट्रेशन था मार्केट का, मे बी मार्केट इज ट्राइंग टू स्ट्रग इट ऑफ। कल जिस तरह का मूव इसने देखा था, जिस वॉल्यूम के साथ देखा था, आप रोल ओवर के आंकड़े भी देखिए हैं विच इज़ बेटर देन एक्सपेक्टेड, ऑलमोस्ट 48% का रोल ओवर हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें क्या ये इंडिकेट कर रहे हैं दैट मार्केट इज सेटिंग इटसेल्फ अप इस लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो कि रेंज में हुआ है अगली सीरीज में रैली के लिए? बिकॉज उसके अर्ली साइंस अगर दिखाने हैं मार्केट को तो अभी दिखा सकता है। मेरा भी बहुत जल्दी होगा ये बोलना कि मार्केट बॉटम होकर यहाँ से तेजी करना स्टार्ट करा है, बिकॉज जैसे जनवरी स्टार्ट होगा तो हमको देखना पड़ेगा कि एफआईएस किस मूड के साथ मार्केट में उतरते हैं और रिजल्ट्स का इंपैक्ट कैसा आता है। जो भी रिजल्ट्स के इंपैक्ट है वो मुझे ऐसा लगता है खराब ही आने वाले हैं और इनफैक्ट खराब ही आएंगे, तो उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ऊपरी लेवल से हमको वापस से दबाव देखने को मिलेगा। कल लोअर लेवल से जरूर मार्केट में हमको एक अच्छी रिकवरी अच्छा पुलबैक देखने को मिला है, बट अगर आप देखेंगे तो FIS तो अभी भी सेल मोड के अंदर ही है। DIS की खरीदी के ऊपर मार्केट खींचा है और ये लास्ट वीक में थोड़े से वॉल्यूम्स भी कम है मार्केट्स के अंदर, तो थोड़ा सा वॉलिटिलिटी देखने को मिल रहा है। आई थिंक इमीडिएटली फ्रेश तेजी के लिए, एक बार बड़ी तेजी के लिए इतना जल्दी मार्केट्स में प्रेडिक्ट करना सही नहीं होगा। इमीडिएट जो रेंज है निफ्टी की वो 8100 ऊपर में और 7900 नीचे में, इस 200 पॉइंट के दायरे में ऐसा लगता है एक बार निफ्टी घूमेगा और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश तो हमको जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर ही लेना चाहिए। फिलहाल जब तक कन्विंसिंगली 8100 के ऊपर नहीं जाता है तब तक फ्रेश तेजी या बड़ी तेजी का मूव सोचना सही नहीं होगा। इस रेंज को मान के चले 7900 से 8100 इसी बीच लगता है अगले हफ्ते भर में हमको मूव देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। एक आइडिया सेलर है जो कि इंडिकेटिव एक्शन में 1% की बढ़त दिखा रहा है और आज FIPB की बैठक भी है जिसमें 17 फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स पर बातचीत होगी। एक प्रपोजल आइडिया का भी है जिसमें उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है उसको बढ़ाकर 67.5% करने की रिक्वेस्ट की है। लेकिन टेलीकॉम स्टॉक्स डेफिनेटली फ्लेवर नहीं रहे हैं और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है। अविनाश ये आइडिया सेलर पर आपके कॉमेंट्स क्या हैं? क्योंकि देखिए रिलायंस जियो ने ऑलरेडी जो माहौल है ऑलरेडी ट्रबल्ड माहौल को और ट्रबलसम किया है और अब इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि रिलायंस जियो जो है वो पेमेंट गेटवेज में भी एंटर करेगा, यानी वो अपना पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाई और एक्सपैंड करेगा। ऐसे में जो सिचुएशन है क्या वो अगले 1-2 साल ट्रबलसम ही बनी रहेगी बाकी प्लेयर्स के लिए?
दीपाली बिल्कुल रहेगी, क्योंकि हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का कॉम्पिटिटिव सिनारियो टेलीकॉम सेक्टर में आने वाला है आने वाले साल में, दैट इज़ FY18 में, वहाँ पे दिक्कतें काफ़ी बढ़ेंगी, स्पेशली दूसरों प्लेयर के लिए, जैसे कि आरकॉम की बात करें या आइडिया की बात करें, क्योंकि ये छोटे प्लेयर्स है, इनके लिए आरपूज और अपनी डेट सर्विस करना बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली पेमेंट गेटवे बट इन्होंने एक मर्चेंट्स के लिए जो मर्चेंट ऐप भी इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पर डेफिनेटली एक अपसाइड उनको मिलेगा। क्लियरली जो डेटा बिजनेस है वहां पे हमको लग रहा है कि मार्जिन्स आइडिया के काफी कम हो सकते हैं, तो क्लियरली आई थिंक अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है कम से कम 3-4 क्वार्टर के लिए, तो यहां से भी गिरावट पॉसिबल है। बिल्कुल, चलिए इस बीच 14 पॉइंट ऊपर निफ्टी रुका है इंडिकेटिव टिक्स में। गेनर्स को देख लेते हैं जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, हालांकि जैसा सुमित कह रहे थे कि मे बी इट्स लिटिल अर्ली टू कंक्लूड कि जनवरी फर्स्ट वीक से मार्केट कोशिश करेगा रैली दिखाने की, लेकिन बढ़त जहां पर है इसमें औरबिंदो फार्मा है, HCL टेक, हिंडालको, सिप्ला, HDFC लिमिटेड, BHEL, मारुति सुजुकी, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आप नज़र रख सकते हैं। मारुति पर राकेश, टारगेट आपका इंट्राडे क्या होगा आज? 0.5% ऊपर फिलहाल है ये। मीर, मारुति एकमात्र काउंटर है इंडेक्स का जिसने बिल्कुल भी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करा है और स्टॉक ने नीचे में 5150 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट बनाया, और एक बार मीर ये लेवल्स 5275 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तब एक बहुत बड़ी बाइंग इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी, और तब मेरे को लगता है एक बार 5275 के लेवल्स अगर ब्रीच होते हैं तो एटलीस्ट 100 to 125 रुपीज़ का अपमूव वहाँ से देखने को मिल सकता है। तो मैं सिर्फ 5275 के ऊपर ही इसको, जब ये लेवल्स टूटते हैं डिसाइसिवली तभी बाइंग के लिए रिकमेंड करूँगा। इंडिकेटिव एक्शन में जिन स्टॉक्स में विद वॉल्यूम्स बाइंग दिख रही है उसमें एक इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स का शेयर है, हालांकि पैनी स्टॉक है लेकिन मूव ज्यादा है। एक साक्स ऑफ जिसको आज इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में राकेश ने शामिल भी किया है, 11.5% ऊपर खुल सकता है 302 के लेवल्स पर। जो हमने कल सीमेंट में वापस बाइंग देखी थी, आंध्रा सीमेंट एक छोटा स्टॉक जो कि परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लगातार चौथा सेशन 50% ज्यादा चल चुका है, आज 7% ऊपर ये खुलने के तैयारी में है। साथ ही जो चुनिंदा एग्री स्पेस के स्टॉक्स है जैसे कि UPL हुआ, जैन इरिगेशन हुआ, वहां पर बाइंग देखी जा रही है। खबरों वाले शेयर्स में एक्टिविटी है जैसे कि सुनील हाईटेक, ऑर्डर इनफ्लो की खबर है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं और स्टॉक 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अविनाश, STC में 3 सेशन से तो सर्किट लग रहा था, आज अगर सर्किट खुलता है 6-7% ऊपर जो कि दिख रहा है इंडिकेटिव एक्शन अगर ओपन होता है तो क्या मुनाफा समेट लें ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स? मुझे लग रहा है कि 3 दिनों में जिस प्रकार का अपसाइड आया है दीपाली, ऑलमोस्ट 50% स्टॉक चला है, और हमको लग रहा है कि हालांकि बड़े बल्क डील्स में शेयर को खरीदा गया है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो मुनाफा बुक करना चाहिए लेकिन पार्टली इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो ट्रेंड है वो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव है, और नॉर्मली हमने देखा है कि कभी भी ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो उसको एक फॉलोअप के लिए कॉर्पोरेट न्यूज़ फ्लो की एक्टिविटी ज़रूर होती है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से पार्टली बुक करें और पार्टली होल्ड करने की राय रहेगी। बिल्कुल, कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जिस पर इंडिकेटिव टिक्स में अच्छे संकेत या फिर अच्छी तेज़ी बनने की उम्मीद है। एक तो आप नज़र रख सकते हैं जेनेरिगेशन के DVR पर, ये 5.5% ऊपर दिख रहा है वॉल्यूम्स के साथ। कुछ और काउंटर्स जिसमें गोवा कार्बन है, यहाँ पर मुंह देखने को मिल रहा है। RPP इंफ्रा एक काउंटर है जिस पर मुंह देखने को मिल सकता है। भारत फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मुंह दिखा सकता है करीब 3.5% ऊपर वॉल्यूम्स के साथ इस समय यह है। ये कुछ काउंटर्स हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स है जिस पर आज भी 4% का मुंह है, अच्छा मुंह देखने को मिला। गॉडफ्रे फिलिप्स पर क्या करेंगे आप राकेश? नहीं, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे से एक अच्छा रिवर्सल स्टॉक ने दिखाया है। कल के सत्र में अपर सर्किट भी स्टॉक में लगा था, और ना सिर्फ सर्किट लगा है मीर, क्लियरली संकेत है कि वर्स्ट ओवर है। स्टॉक ने 950 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया है, और मुझे लगता है मीर अगर कोई इसको बाय एंड होल्ड करता है तो बाय बजट इसमें 1160-1165 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।